दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री, आत्महत्या या हत्या, ये कहानी लगातार दसों दिन से जो है एक रहस्य बन गया था और आए दिन सोशल मीडिया मीडिया टीवी चैनल पे एक बड़ी खबर बन गया था, क्योंकि आकांक्षा दुबे के मौत, आत्महत्या या फिर हत्या एक बड़ा सवाल, और इसके पीछे नाम समर सिंह का। और समर सिंह जो है लगातार जब से आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आई तब से फरार हो गए थे और पुलिस ने उनका लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। यहाँ तक कि अब पुलिस जो है वाराणसी पुलिस इनाम भी घोषित करने वाली थी। और एक बड़ा सवाल कि समर सिंह आखिर फरार क्यों, क्योंकि आकांक्षा दुबे की माँ समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर आरोप लगा रही थी। लेकिन वही जब मीडिया के लोग समर सिंह के घर पहुँचते हैं, उनके गाँव पहुँचते हैं, तो उनके गांव घर के लोग कुछ और बात बताते हैं। बहरहाल अब इस मामले में एक नया अपडेट यह है कि समर सिंह को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात गाजियाबाद क्षेत्र के नंदगाम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DGP ने ये जानकारी दिया है और एक बड़ा अपडेट, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। लेकिन एक बड़ा सवाल, समर सिंह के जानने वाले लोग और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से दो धड़े में बट गई थी। एक पक्ष ये कह रहा है कि समर सिंह बेगुनाह है, एक पक्ष ये कह रहा है समर सिंह के वजह से आकांक्षा दुबे की जान गई। लेकिन एक बड़ा सवाल, इस तथ्यों को पूरे तरीके से समझिए। जानकारी के मुताबिक ये है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह लगातार 3 साल से एक साथ रहते थे, लिविंग रिलेशनशिप में वाराणसी में रहते थे। इन लोग का अब 3 साल से एक लड़का लड़की साथ में रहे तो कहीं ना कहीं संबंध बड़ा करीब होगा, एक बड़ा मामला। लेकिन समर सिंह आखिर क्यों फरार हुए? समर सिंह का परिवार वालों का, समर सिंह का खुद का आरोप जब है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो समर सिंह फरार क्यों हुए? दूसरी बात, इस पूरी कहानी में क्या पवन सिंह के वजह से जो है समर सिंह आकांक्षा दुबे को टॉर्चर करते थे? क्या समर सिंह यह चाहते थे कि पवन सिंह के साथ आकांक्षा दुबे काम मत करे? क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि पवन सिंह के साथ आकांक्षा दुबे ने काम किया, उसके बाद इन लोगों में लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ, उसके बाद अंजाम हुआ कि आकांक्षा दुबे की मौत हो गई? क्या इसके पीछे का क्या राज है? खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें कुछ ना कुछ इशारा जरूर करती है, क्योंकि समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे लगातार काम कर रही थी। आकांक्षा दुबे अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी काम किया, आकांक्षा दुबे खेसारी लाल यादव के साथ किए, भोजपुरी के यूं कहें कि सभी बड़े स्टारों के साथ काम किए। लेकिन आकांक्षा दुबे का जो ही एक गाना रिलीज होता है पवन सिंह के साथ, आरा कभी हारा नहीं है, और उसी के अगले दिन ये खबर आती है कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या कर ली। क्या आकांक्षा दुबे को पवन सिंह के साथ काम करने नहीं देना चाहते थे समर सिंह? आखिर क्या कारण है कि एक बड़े स्टार के साथ उनका गाना रिलीज होता है और उसी दिन वो आत्महत्या कर लेती है? ये तो खैर जांच का विषय है कि हत्या है कि आत्महत्या है। तो क्या ये एक बड़ा सवाल हो सकता है? अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी, तब पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा, तब पता चलेगा असली मुलजिम कौन है। क्या आकांक्षा दुबे के मौत के जिम्मेदार समर सिंह है, या फिर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाया समर सिंह? ये सब जांच का विषय है। लेकिन बड़ा अपडेट बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस ने, गाजियाबाद के नंदगाम थाना क्षेत्र की पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार दर्जनों दिन से, दसों दिन से ज़्यादा ये मामला मीडिया में सुर्खियों में बचा हुआ था, और बने भी क्यों ना, इंडस्ट्री में इस तरह के से जो है एक बड़ी स्टार जो एक नेम फेम, अच्छा नाम और अच्छी पहचान बनाने के बाद इस तरह का अंजाम दिए, क्योंकि इंडस्ट्री में होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर वो लोग या फिर किसी इंडस्ट्री में वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आत्महत्या करते हैं जिनके पास काम नहीं होता। लेकिन आकांक्षा दुबे के पास भरपूर काम था, लगातार काम कर रही थी, एल्बम कर रही थी, और मॉडलिंग एल्बम इंडस्ट्री की बात करें तो टॉप 5 हीरोइनों में से एक थी आकांक्षा दुबे। तो क्या आकांक्षा दुबे को आत्महत्या करने के लिए कोई मजबूर किया है? ये बड़ा सवाल। खैर, समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और अब जो है पुलिस प्रशासन अपने काम में तेजी लाए, तब पता चलेगा आखिर कौन मुलजिम है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर।